जिसे सुर भी, और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से में। और अब आप सोच रहे होंगे कि सुर भी इतनी रफ टफ सी कहाँ और ऐसे क्यों आ गई आज, तो ऐसे इसलिए आ गई क्योंकि आज मैं जा रही हूँ भोपाल और आवाज़ आ गई है दरवाज़ा बंद करने की बहुत धार से। और आज मैं जा रही हूँ भोपाल और कैसा रहता है मेरा भोपाल का सफ़र वो मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। आ चुके हैं अब्दुल्ला गंज के इधर, और अब्दुल्ला गंज में हमारी कार में अचानक से ना आवाज़ आने लगी और हम लोग डर गए क्या हो गया। तो देखा तो पूरा टायर घिस गया है। तो जितना जल्दी हम लोग सोच रहे थे कि भोपाल हम चले जाएं, उतनी जल्दी हम नहीं जा पाएंगे लगता है, क्योंकि लौटना भी था और हमारी जाने की फ़्लाइट टिकट हो चुकी है। तो हमें उससे पहले अपने बहुत सारे काम ना ख़त्म भी करने हैं। तो अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं और आपको मैं मिलती हूँ डायरेक्ट भोपाल में। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने भोपाल वाले घर में भी जा सकूं और दिखाऊं आप लोगों को कि मैं किस एरिया में थी, क्योंकि ये टूर ही मैंने इसलिए किया था कि मैं कहाँ रहती थी, क्या करती थी, वो सब आपको बताऊं। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये क्या भैया, बहुत पहले से घिस रहा होगा ना, ये सर्विसिंग वाले बताते क्यों नहीं है। हाँ मतलब कितना पुराना है ना, पट्टा ही छोड़ दीजिए। मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ कि इस लेवल के भी घिस जाते हैं। तो मम्मी तो सर्विसिंग करवाती थी, फिर क्यों इतना वो हुआ बताना चाहिए था। बाकी टायर्स भी आप देख लेना बाद में जाके। मैंने बहुत सारी जगह पे लिया है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होशंगाबाद में कितनी ग्रीनरीश है। और ये इस वक्त हम खड़े हैं हाईवे पे और हमारी कार ही हमारी कार है और यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो गई है, बट ठीक है, चलो ये सब भी होता है। और मैं जल्दी ही अपना भी बताऊंगी कि मैं भोपाल में क्या करने गई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि मैं अपने घर जा सकूंगी। पता है हम लोग मुंबई बेशक शिफ्ट हो गए हों, लेकिन ये मम्मी बैठी हैं बड़े आराम से। मम्मी हाय कर दो। और ये विनय है, विनय हाय कर दो। और ये ईशान है, हाय कर दो। तो इंट्रोडक्शन सबका हो चुका है। तो मैं आपको बता रही थी कि जब भी मैं मुंबई बेशक शिफ्ट हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से ही जैसे मुझे घर हमेशा भोपाल वाला ही लगा। मतलब आज भी जब मैं मुंबई में रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया, मुझे ना अपने घर जाना चाहिए। घर मतलब भोपाल वाले घर। पता नहीं क्यों वहाँ की वाइब्स इतनी स्ट्रांग है ना कि मैं उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाती हूँ। तो लेट्स सी कब मैं भोपाल पहुंचती हूँ और कब मेरा क्या होता है, सपना पूरा होता है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी एक थ्रिल है कि हम खड़े हुए हैं यहाँ पर हाईवे पे अपनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी कार भी ठीक करवाने के लिए कभी हाईवे पे जाएंगे। और यहाँ पर हम भोपाल में आ गए, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये भोपाल पानी आने लगा, भोपाल शहर भी स्वागत कर रहा है, पानी आ गया हमारे यहाँ आते ही, जैसी एंट्री हुई वैसी पानी। नोबेल हॉस्पिटल कितनी आम हो गई थी ये सड़क हमारे लिए, एक एक चीज समझ में आने लगी थी, ये चीज यहाँ मिलती, ये चीज यहाँ मिलती है। कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग एंट्री हो चुके हैं भोपाल में और थोड़ी देर में मैं आपको गली दिखाऊंगी। यहाँ हमेशा से ट्रैफिक रहता था और आज भी ट्रैफिक ही है। और छाता लेके आए नहीं अपन भाई, भोपाल शहर भी स्वागत कर रहा है हमारा। नहीं तो बहुत शानदार बन गया, देखो लोपा का
आप ही कहीं लगता रहने, थोड़ा रुकना है ना विनय उस गली में। गली निकल गई क्या? अरे यार मैं तो देख ही नहीं पाई गली। कौन सी गली? अपनी ये नहीं अपनी गली निकल गई यार। तो आज हमने यहाँ पर बैंक का काम किया और वो काम हमारा हो नहीं पाया, तो भोपाल हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा थोड़ा सा ऐसा हो गया है। देखते हैं अब जाएंगे टाटा एआई के, उसमें मेरे कुछ फिक्स डिपॉजिट हैं उन्हें हमें तोड़वाना है, तो अभी ये वाला काम करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ भोपाल की एक मनोहर है वहाँ पर हम खाना खाएंगे, कुछ भी अच्छा सा हैवी सा लेंगे और उसके बाद अपनी कॉलोनी में जाएंगे और कॉलोनी में जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरी कॉलोनी कैसी थी। तो अब हम लोग आ चुके हैं मनोहर और यहाँ पर हम लोग बहुत सारा खाना खाया करते थे, आते थे तो भोपाल की यादें ताज़ा हो रही हैं और देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं हम लोग। मम्मी को कुछ ऐसा चाहिए चट वजन टाइप में, थाली लेते उसमें सब आ जाता है। इनको चट वजन चाहिए, इडली ले लो इनके लिए, थाली में सब आ जाता है। इनको नहीं खाना खाना भी आ जाता है, नहीं खाना चाट वाट चाहिए, पानी पूरी चाहिए। तुमको क्या खाना? क्या क्या है सभी कुछ, तुमको क्या खाना है? हम लोग यहाँ बैठे हैं मनोहर में और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मालूम नहीं आवाज़ कितनी आएगी, वो ज़्यादा तेज में बोल नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई थी एक बार मम्मी के साथ और मैंने कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है और हम लोगों ने तब हमने वो किया था मदर्स डे सेलिब्रेट किया था और सच में मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर, मुझे अच्छा लगता है भोपाल। मुझे मालूम नहीं मैं इतने सारे शहर घूमी हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुझे भोपाल क्यों पसंद आता है इतना, लेकिन मुझे आता है पसंद, मैं क्या करूँ मुझे आता है। तो अभी खाना ऑर्डर कर दिया है और पहले पेट पूजा हो जाए उसके बाद जाएंगे निखिल नेसर। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं कहाँ रहती थी। तो ये है मेरा मेन गेट, एंट्री गेट, और यहाँ से हमारा घर आता था और हम ये पूरा एक लुक आता है उस, और उसके बाद ये मेरा घर की तरफ की गली थी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने घर में और मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मुझे रोना सा भी आ रहा है। तो बस ये मेरा घर था और फोटो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पर मेरा एक झूमर लगता था। मुझे सच में बहुत रोना आ रहा, मुझे अपने यहाँ मेरा सारा सोचा और बहुत भाव पहाड़ी तो वही तो अपने ही घर है, वही हमारा घर है। हाँ बता, वो महिमा उसकी फ्रेंड है ना, एक महिमा यहाँ पहले रहती थी तो उसने मुझे बताया कि ऐसे मेरे को खबर लगती रहती। तो गाइस हमारा यहाँ मंदिर रहता था पूरा, आप देखोगे ये मेरा पूरा मंदिर था और यहाँ हमारा पूरा खाली था, पर ऑफ कोर्स बच्चे वाला घर है तो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छे है मुझे ये तो हाँ। यहाँ मेरे बच्चों का कमरा था बहुत ज्यादा अच्छा। ये पपड़ी निकल आई ना, हमने सब वाटर प्रूफ पपड़ियाँ लगवाई थी हमने यहाँ पर, मालूम है साथ ही
अपन ने जब खुदाई करते हुए पूरा वाटर प्रूफ, हमने पुट्ठी लगवा के वाटर प्रूफ सब करवा। मैं बताऊँ उसका क्या रीजन है जो हमें बता के गए थे। ये हमारी बालकनी थी और मैंने कई फोटोग्राफ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने ये घर सिर्फ इसलिए लिया था कि मुझे ये लोकेशन चाहिए थी, तो ये मुझे चाहिए था। और पता नहीं वाटर प्रूफ पुट्ठी भी करवाई थी, नहीं वो झड़ रहा था। तो ये मेरा ड्राइंग रूम था, यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है, ये सब मैंने खुद बनाया है। और यहाँ धुलते थे, ये मेरा वॉश एरिया है। लिया सब नया लिया, तो फिर मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं अपने वहां लगा लूं, फिर दो दो क्या खरीदूंगी। और ये चिमनी आने के लिए हमारे घर में अच्छा खासा कलेश हुआ था, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं लगवाऊंगी। तो मैंने बोला ये अगली बार नहीं खरीदेंगे। तो बिना आपको कैसा लग रहा है अपने घर में? ये तो आना ही नहीं चाहते दोबारा यहाँ पर, मैं यहाँ आना चाहती हूँ। तो मुझे इनको शायद उतना मुझे बहुत अपन यही आएंगे। नहीं तो हमारा ये सारा घर है। और अब आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत बार रो रो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा घर याद आ गया। और मैं पूरी भगवान से कोशिश करूंगी कि अब मैं यहाँ आऊंगी दोबारा से, क्योंकि क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ये जो घर है ना मेरा बच्चा है। तो दीपा कैसी हमारी पड़ोसन है, ये मेरी पुरानी नेबर है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। इसकी स्किन पे ना जब मैं यहाँ रहती थी ना, तो मुझे इसकी स्किन पे हमेशा फिदा रहती थी। और मैं ये बोलती भी थी कि तेरा क्या है ऐसा, क्या तू लगाती है, तो मुझे टिप्स देती थी। तो जो मैंने अपना एक शेयर किया था ना तो शहद और कॉफी वाला, वो एक्सपीरियंस इसका था और मैंने बस आगे बढ़ाया है, क्योंकि इसने खुद ने ये चीज करी थी। और मैं जरूर से डालूंगी, पहले अपने होशंगाबाद के ट्रिप के ब्लॉग डालूंगी। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये हमारी पुरानी नेबर है, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। हमारे साथ पता है क्या प्रॉब्लम थी, घर बहुत छोटा, जो बैल्कनीज दे रखी है ना उसको हमने कवर कर रखा है अपने उससे, मतलब अपने कांच वाच लाने के सामान से, ठीक है। और जब वो सामान हमारा कवर हुआ ना, तो अब लॉकडाउन हो गया, कॉलोनी में नीचे लग गया ताला, जो नीचे सीढ़ी उतरते हैं ना वहाँ भी ताला लग गया, मेन गेट पे ताला लग गया, ठीक है। मोनोपोली नहीं, वैसे भी उन लोगों की जैसे होता है ना, कुछ लोग जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा भी था नहीं, अच्छी हमारे। और उसके बाद फिर छत पे भी ताले लग गए कि छत पे भी कोई नहीं जाएगा। अब हम लोग नहीं नहीं, वो उन लोगों के अपने नहीं क्या रूल्स निकाले, उसके बाद है ना बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। और हम लोग उनको कैद, मैंने बोला मैं डिप्रेशन में मर जाऊंगी, मुझे डिप्रेशन होने लगे, हाँ पूरा सब बंद हो गया। वहाँ के लोगों को घर में रहने की आदत ही है, मतलब वो लोग उन लोगों को निकलना ऐसा कुछ सच है ऐसा। और ये मैंने पूरे लॉकडाउन में मतलब सोचो एक साल तक अपने पड़ोसी की शक्ल नहीं देखी है। और मेरा घर है ना लिफ्ट, वहाँ का कैसे ये दो और ये जो आपका है ना यहाँ पर लिफ्ट है, तो मतलब जो भी आएगा इस लिफ्ट से मेरे को पता लगेगा। अपन लोगों की कैसी आदत है दरवाजा खोल देते हैं काम करते हैं, मुझे आज तक लिफ्ट में कोई टकराया ही नहीं, आज तक कोई नहीं टकराया है मैंने आज तक कोई, मतलब इतनी और सेफ है। इन लोगों को भी तो हुआ सबको, तो वो सारा हो गया हमारा। दीपा तुम पतली भी लग रही हो, कैसे तुम्हारी कसम, चक्कर नहीं डाली अंकल, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ अच्छा, हाँ मैंने ट्रेन पकड़ लिया। तो मैं ना किसी बच्चे वालों को नहीं देना चाहती थी, तो बच्चे वाले नहीं वो तो आ गए उनके पास। हाँ मैं वही कह रही हूँ, बाइजेंस आ गए, हाँ लेकिन वो कॉर्नर टूटा ना इसीलिए मेरा दांत निकल गई, मेरे बच्चे का मेरी जान निकल, कॉर्नर टूट गया, मैंने झड़ गया पूरा। मिलेंगे बहुत जल्दी, मिलेंगे बहुत।
जल्दी अपने घर में आऊंगे फॉर श्योर। तो तो मेरा ये काम आज हो चुका है मिलने का, और आज मैं वहाँ हूँ जहाँ पर जहाँ से मैं निकलना नहीं चाहती, जो मेरा घर था और एक्चुअली घर है। और आप पीछे व्यू देख रहे हो पूरा, ये मेरी कॉलोनी का व्यू है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, ये मेरा घर मैं जहाँ रहती थी। और आप सब दुआ करिएगा कि मैं लौट के यहीं पे वापस आऊँ, क्योंकि मैं ये घर से बहुत प्यार करती हूँ। और आपने देखा होगा कि जब मैं मिली थी यहाँ पर अपने किराएदार से, तब मैंने अपने जब घर को देखा तो मुझे रोना भी आया, क्योंकि वो मेरा घर था। वो कहते ना, जब कोई चीज़ दिल से लेते हैं तो बहुत हमारे बच्चे की तरह वो होता है, और वो ये मेरा घर मेरे बच्चे की तरह था। तो बाय कहने का टाइम आ चुका है निखिल नेसल्स को, बट हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। और मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि, भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो मुझे वापस यहाँ लाएं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। और यहाँ पर बच्चे खड़े हैं और वो अपने पुराने दोस्तों से मिल के बहुत खुश हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, वाइब्स मिलती हैं हर चीज़ की, ना वो वाइब्स मिल रही है। ये इधर खड़े हैं बच्चे, अब मुझे मालूम नहीं है वो एंगल किधर जा रहा है, लेकिन ठीक है, मम्मी आ रही है, घूम रही है, मम्मी देख रही है। मैं यहाँ पर देवी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी। इस कॉलोनी में एक देवी जी का भी मंदिर था, मैं वो वहाँ के दर्शन जरूर करूंगी, तो वहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराती हूँ, तो आप वेट करिए। जब मैं चली गई तो मुझे याद आया कि मैं अपनी एक आंटी से मिलना भूल गई, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो अंकल आंटी साथ में घूमते थे, और इस कोविड के टाइम पे अंकल अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के चले गए। तो जब वो यहाँ पर आई हूँ तो मुझे याद आया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए, तो बस वापस लौट कर आई हूँ और आंटी से मिलती हूँ मैं। तो उसके बाद तो अब हम लोग यहाँ से वापस होशंगाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, और देखते हैं क्या हमारा चलता है, कैसे चलता है। और रास्ते में अगर मुझे मौका मिला तो मैं नर्मदा नदी का भी शूट ज़रूर डालूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो।